जो घर में हम रोज़ाना भोजन बनाते हैं उसे हम नैवेद्य के रूप में भगवान को कैसे अर्पित कर सकते हैं, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, क्या हम घर में रोज़ाना इस तरह का भोजन बना सकते हैं जो भगवान को चढ़ा सके? तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। भगवान को हम क्या चढ़ाएंगे? ये चराचर जगत कहाँ कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं, इस संसार के धूल कण को तो आप गिन सकते हैं, एक एक धूल के कण को आप गिन सकते हैं, लेकिन प्रभु की महिमा को आप नहीं गिन सकते। इस संसार में कुछ भी नहीं है ऐसा विपनेश जो ईश्वर से, ईश्वर के अस्तित्व से पृथक हो। इसीलिए जब ज्ञानी जन, बुद्धिमान जन, भक्त जन भगवान को प्रसाद निवेदित करते हैं तो यही कहते हैं, तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित। ये प्रभु आपकी ही वस्तु है, आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है। जहाँ तक नैवेद्य की बात है तो देखो, सचमुच में भोजन जब पवित्रता के साथ आप बनाओगे, भोजन जब आप सप्रेम बनाओगे और इसे भगवान पाएंगे ये भावना करके बनाओगे, तो आपका घर मंदिर बन जाएगा, परमात्मा का मंदिर बन जाएगा। और ओम नाभ्यासिदंतरिषग्वंशिषणौद्यौषम वर्ततः पदभ्याम भूमिर दिशा स्रोता तथा लोका अकल्पयन नैवेद्यम निवेदयामी। तो आप परमात्मा का मंदिर आपका घर बन जाएगा और आप जो भी अपने किचन में बनाएंगे प्रभु के लिए उससे आप भोग लगा सकते हैं। शरीर में ईश्वर का अंश जीव यानी आत्मा रहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो लोग हर निवाले को खाते हुए राम कृष्ण हरि मन में जपते रहते हैं, निश्चित रूप से आप समझ लीजिए, भगवान कहते हैं कि अग्नि में दी हुई आहुति से मैं उतना संतुष्ट नहीं होता हूँ जितना मेरे भक्तों के मुंह में प्रसाद जाता है, मैं उससे संतुष्ट होता हूँ। ये भगवान कहते हैं, भागवत में कहे हैं। और भागवत में एक बात और कपिल जी कहते हैं, कपिल जी साक्षात भगवान है भाई, देवहूति के गर्भ से और ये मतलब कि जो है कर्दम ऋषि से भगवान का प्रागट्य हुआ है कपिल जी का। कपिल जी कहते हैं अपनी माता से, 30वें अध्याय में कहते हैं, 3रे स्कंद में, कि हे माँ, जो लोग पत्थर मेरी पाषाण की मूर्ति को भगवान समझकर पूजा करते हैं और मनुष्यों में मुझ ईश्वर को नहीं देखते हैं, उनकी पूजा वैसी ही है जैसे राख पर कोई हवन करे। राख पर कोई हवन करे उसका कोई मतलब होता है? नहीं। अगर आप पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं और इंसान में भगवान नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी पूजा राख में हवन के बराबर है। सब में आपको भगवत भाव करना चाहिए, सब में भगवान है। इसी चीज को तुलसीदास जी सरल भाषा में कहते हैं, सी राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सी राम मैं सब जग जानी, मानी नहीं जानी, वो जानते हैं पूरा सी राम मैं ये संसार है। तो कहने का आशय ये है कि देखिए, घर में भोजन तैयार हो जाने पर सबसे पहले उसमें तुलसी दल छोड़कर भगवान का भोग लगाएं। ऐसा करने का वैज्ञानिक कारण यह है कि तुलसी के प्रभाव से भोजन में मौजूद विषाक्तता नष्ट हो जाती है। प्रतिदिन घर में जो भोजन बनता है उसमें एक भाग, पहली रोटी गाय को देना चाहिए, दूसरी कुत्ते के लिए निकालना चाहिए, तीसरी कौए के लिए, चौथा देवताओं के लिए, पांचवा भाग चींटी या कीट पतंगों के लिए देना चाहिए और स्वयंभू भोजन करना चाहिए। ये पंचबली का हमारे सनातन धर्म में संस्कार करने का नियम है। जय माँ विंध्यवासिनी।